कोचिंग वाली प्रॉपर्टी गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत। और जो आज का टॉपिक है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन इन रियल स्टेट। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन क्या है? हम रियल स्टेट एजेंट के तौर पर, रियल स्टेट परचेजर के तौर पर, इन्वेस्टर के तौर पर, डेवलपर के तौर पर जब भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमने जब प्रॉपर्टी को डिवेलप करके जैसी शक्ल हम देना चाहते हैं, या इस तरह कह लो कि जिस तरीके की शक्ल कस्टमर को भा जाती है, मतलब कस्टमर को अच्छी लगती है, इंप्रेस करती है, उस तरीके की शक्ल हम देना चाहते हैं, वो शक्ल अपने दिमाग में ले आओ। किसी भी प्रॉपर्टी पर मैं हमेशा ये प्रैक्टिस करता हूँ कि कोई भी प्रॉपर्टी जब मैं देखने जाता हूँ, मैं उसमें आंखें बंद करके जो उसमें बनाना चाहता हूँ वो देखने की कोशिश करता हूँ। यदि हम वो प्रॉपर्टी उसी एंगल से देखने में कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपको कंसेप्ट, आपका जो कंसेप्ट है प्रॉपर्टी के प्रति, वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है। आपका दिमाग अच्छे अच्छे आइडियाज कंसीव करने लग जाता है। जैसे हम प्रॉपर्टी के आजकल जो हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं उसकी कई बार हम 3D बना लेते हैं। 3D का मतलब ही ये है कि आपको बनने के बाद दिखने में कैसी लगेगी, कैसे दिखेगी। तो इसी तरीके से यदि हम पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को समझ लें, रियल स्टेट को समझ लें, तो यू मे बी प्रूव्ड एज द बेस्ट परचेजर। आप बेस्ट परचेजर बन जाओगे इसमें यदि आपको विजुअलाइज करना आ गया। विजुअलाइज का सिंपल मतलब यही है कि जब आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने जा रहे हो और उसमें कुछ बनाने की सोच रहे हो तो वो उसमें बन सकता है कि नहीं सकता। सपोज करो आप किसी गहरी जमीन को, गड्ढे वाली जमीन को जिसमें पानी खड़ा है, मतलब उसमें डंप है, तो वो खरीदना चाहते हो तो उसमें मिट्टी डाल के देखो, अपने आइडियाज में, अपने विचारों में मिट्टी डाल के देखो। मिट्टी डालने के बाद उसमें जो दुकानें आप बनाना चाहते हो दुकानें की नींवें भर के देखो और उसको रोड से ऊंची करके देखो, या उसको अपने इमेजिनेशन में बिल्डिंग बना के देखो आपको कैसी लगती है। तो यदि आपको बिल्डिंग बनाने में बना के आपने बना ली, अपने विचारों में बना ली और आपको अच्छी लगी, तो डेफिनेटली जो आपका संभावित कस्टमर है उसको भी अच्छी लगेगी। हमने ओवरऑल प्रॉपर्टी खरीदनी क्यों है? क्योंकि हमने आगे बेचनी है, क्योंकि वी आर द रियल एस्टेट एजेंट या वी आर ब्रोकर या हम दूसरा को वी आर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब, इन्वेस्टर का मतलब ये है हमने आज पैसा लगाना, कल को उसको तैयार करा के आगे हाई रेट में बेचना है, अपनी मेहनत ऐड करके उसको बेचना है। तो यदि हम पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को समझ लेंगे तो डेफिनेटली आपका प्रॉपर्टी देखने का नजरिया बहुत जबरदस्त हो जाएगा। आज मेरे साथ ट्रेनिंग में हनी भट्टी और अभिषेक प्रजापति गए थे, तो उनको मैंने जब प्रॉपर्टी देखी उनको यही कहा कि भाई आप इस प्रॉपर्टी को विजुअलाइज करो, हमने इस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम इस पर्पज के लिए देख रहे हैं, हम इसमें ये चीजें बनाना चाहते हैं। आप इसमें देखो आपने 40 फुट रोड देनी है, 40 फुट रोड में अंदर ग्रीनरी देनी है और सड़कों के ऊपर पीले पत्थर लगाने हैं, काले पत्थर लगाने हैं, ये आप इसको विजुअलाइज करो। तो यदि विजुअलाइज करने में हम कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली हम प्रॉपर्टी को बढ़िया तरीके से तैयार करके बेचने में कामयाब हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि जो प्रॉपर्टी खरीदते हो आपका जो लाभ है खरीद मूल्य में है, मतलब आप किसी कम रेट पे प्रॉपर्टी खरीद लोगे वो अच्छा रहेगा, उसके बाद उसको डेवलप करके बेच लोगे तो आपको बेचनी आसान हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी महंगी भी हम खरीद लेते हैं लेकिन उसमें बहुत जान होती है लेकिन लोगों को समझ नहीं आती। यदि आप उसको विजुअलाइज कर लोगे तो आप डेफिनेटली उसमें से भी प्रॉफिट निकाल सकते हो, जिसको लोग मतलब बिल्कुल निकम्मी प्रॉपर्टी कह के जाते हैं या महंगी प्रॉपर्टी कह के जाते हैं। सिंपल बात यही है कि जब आप किसी प्रॉपर्टी को विजुअलाइज करने में कामयाब हो जाओगे तो रियल स्टेट आपको बहुत आसान लगने लग जाएगा। रियल स्टेट बिजनेस करना आपके लिए बहुत आसानी वाला काम हो जाएगा, कोई बड़ी बात ही नहीं रहेगी। आज के लिए इतने, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और इसके ऊपर चर्चा करना। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो आपका मन हो, और कोई आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में
कोई इस वीडियो नहीं अच्छी लगी तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, वीडियो अच्छी लगी हमें अप्रिशिएशन देना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बहुत जल्द आपके सामने होगा नए टॉपिक के साथ, तब तक सीखते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। पढ़ेंगे हम तभी तो बढ़ेंगे हम, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्द आपके सामने होगा।